इधर देखिए एगो बच्चा हग रहा है, इधर लाइए पूरा अच्छा से दिखा रहे हैं, रुकिए थोड़ा पाँख है दिक्कत हो रहा है, देखिए इसी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, अच्छा दिखाइए उसको। यह स्थिति है बिहार के स्कूलों की, यही बच्चवा जब पढ़ने आता है घर से तो रास्ते में क्या क्या मिलता है वो भी देख लीजिए। स्कूल के जस्ट बाहर खड़े हैं हम, और देखिए ये रोड है स्कूल आने के लिए बच्चों का, चलिए इधर दिखा दीजिए एक बार और। ये देखिए ये बच्चे को यहाँ पर हगने के लिए, यहाँ शौचालय शायद नहीं होगा तभी इधर हग रहा है। अच्छा इसे बात करेंगे पहले, चलिए इधर चलते हैं और भी क्या क्या चीज़ें हैं और नहीं है, बहुत दिक्कत हो रहा है, पाँख कीच बहुत है। आइए इधर स्कूल के सामने हम ठीक खड़े हैं, स्कूल का नाम देखेंगे पहले, स्कूल का नाम लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, उधर लिखा हुआ है कहीं पे प्राथमिक विद्यालय दंदासपुर प्रखंड लहलातपुर सारण। स्कूल यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से यहाँ तक स्कूल है। लॉकडाउन का समय चल रहा था, कोरोना भी आया हुआ है तो बच्चे शायद कम हो सकते हैं, बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं ज़्यादा, कुछ बच्चे हैं 15-20 के आसपास बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले आइए आपको शौचालय जिसको मोदी जी बोलते हैं, हम बिहार में हगनाले बोलते हैं, इधर आइए। तो इधर देखिए ये है बच्चों को हगने के लिए बनाया गया है, बोला गया है खुले में शौच नहीं करना चाहिए, माने दरवाजा बंद। दरवाजा कहाँ है इसमें ही बताइए, इधर बैठ के हगेंगे अगर बच्चा कोई तो। यहाँ पर है ठीक है शौचालय है और भी कहीं होगा, ये दूगो काहेला बना रहा, हम पूछेंगे सर से, शायद कोई सर हैं, सर कोई हैं यहाँ पे, एक सर हैं जिनसे बात करेंगे। सर आपका नाम? अमरिंदर कुमार। प्रिंसिपल हैं आप? जी। और प्रिंसिपल सर हैं तो यहाँ पर शौचालय सर जो वो दिख रहा है कैसा शौचालय है? चुनाव को लेकर के स्पेशल इमरजेंसी में बना था, मतलब बच्चों के लिए नहीं है। नहीं। तो आपका अभी मैं जब आया यहाँ पर तो बच्चा एक उधर हग रहा था बाहर में जाकर, तो क्या है? शौचालय तो उधर है, ये है शौचालय है तो ठीक है, आइए शौचालय भी देख लेते हैं है कि नहीं है। सर तो कह रहे हैं कि है, और चलिए पहले देखते चलिए यहाँ से स्टार्ट करिए। ये स्कूल का हालत देखिए पहले, ये देखिए यहाँ पर अगर एक वो छोटा छोटा बच्चा पढ़ने वाला, दिखाइए बच्चों को पहले दिखाइए, ये छोटा छोटा अगर बच्चा के देह पे थोड़ा सा भी गिरता है जो टुकड़ा है यहाँ से, अगर देखिए पूरा भस रहा है, पूरा टूटा हुआ है, टूटा फड़ा है सब चीज ठीक है, लॉक है यहाँ पे। और ये देखिए पानी पूरा चूटा है बरसात के दिन, अभी भी चू रहा है इधर, कल परसों बारिश हुआ है, अभी तो फिलहाल बारिश नहीं हो रहा है 5-6 घंटा से, लेकिन यहाँ पर बारिश अभी रात में जो हुआ था उसका अभी भी चू रहा है पानी, इधर आ रहा है देखिए स्कूल के बाहर ठीक है। अब आगे आइए, अब उधर दिखा दीजिए एक बार, इधर दिखाइए, क्लासरूम है ना सर? क्लासरूम है तो ये लॉक रहता है ज़्यादातर समय, इसमें पूरा मकड़ी का जाल सब चावल वोल का बोरा वोरा है, चावल भी गिरा हुआ है देखिए वहाँ पर, शायद वही चावल चावल बनता है ना इसमें, अभी है। चावल अभी नहीं बन रहा है तो इसीलिए नीचे रखा हुआ है सर। आइए आगे जाइए, आपको और कुछ दिखाते हैं। यह ऑफिस है सर स्कूल का, स्कूल का यह ऑफिस है, ऑफिस में सारी चीज़ें अच्छी दिख रही हैं हमको, जहाँ तक सभी नेताओं की फोटो हैं जो कि हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं, महात्मा गांधी, APJ अब्दुल कलाम हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, भगत सिंह जी हैं, सभी महापुरुष लोग हैं। और ऑफिस का हाल मिला जुला कर ठीक है, ऑफिस में मैं जाना सही नहीं समझ रहा हूँ, दिखा दीजिए ऑफिस का हाल काफ़ी अच्छा दिख रहा है हमको। और यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड है जो कि सरकारी स्कूलों में ब्लैक बोर्ड होता है, ये ब्लैक बोर्ड है तो इस पर एक मिनट रुकिए, ये ब्लैक बोर्ड पर कोई चित्र बनाया है बच्चा या फिर जो बनाया हो, छोटा बच्चा तो शायद पहुंच नहीं सकता, कोई बड़ा भी बना दिया हो, माने मिला जुला कर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ व्यवस्था ठीक से हमको नहीं दिख रहा है, यहाँ पर पढ़ाई के जगह पर चित्र बना दिया गया, बोर्ड बिल्कुल खराब हो गया है ना। ब्लैक बोर्ड नहीं है, सूचना पट है। सूचना पट माने इलेक्शन वाला, इलेक्शन के दौरान ही लिखा हुआ सब चीज इलेक्शन वाला ही है, मतलब पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ इलेक्शन को दिया जाता है बिहार में, जो कि आपके सामने है। इलेक्शन के समय शायद रंगाई पुटाई भी होता होगा, होता भी है, हम देखे हैं कभी कभी, जहाँ तक सब समय तो नहीं रहते हैं लेकिन जब जब रहे हैं देखते हैं कि रंगाई पुताई होता है। चलिए अब आगे आते हैं, पढ़ाई के समय क्या होता है वो दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 ये है, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं बिहार के बारे में, जो कि लिखी हुई ही दिखती है, और कुछ है या नहीं वो तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा लेकिन पढ़ने की कोशिश करेंगे, बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
बूढ़े हो या जवान सभी करो मतदान। मतदान को लेकर काफी अच्छी अच्छी बातें लिखी है, मतदान करिएगा। काहे कि नेता नहीं चुनेगा तो फिर ऐसा व्यवस्था देखने को थोड़े मिलेगा। नेता चुनना बहुत जरूरी है बिहार में। जैसा चुनते हैं चुनते रहिए, शिक्षा व्यवस्था आपको ऐसे ही मिलेगा, चुनते रहिए, एकदम चुनिए। और आइए अब इधर आइए, शौचालय को दिखाते हैं आपको। शौचालय शायद है, सर ने बताया था हमको, तो दो शौचालय दिखा हुआ इलेक्शन वाला था। और शौचालय को इधर शायद है, ये शौचालय है ना सर, ये शौचालय है जो कि लॉक है। सर लॉक क्यों है, सर से थोड़ा बात करते हैं। सर थोड़ा इधर आइएगा, सर लॉक क्यों है शौचालय? हाँ चाबी है यहाँ, थोड़ा काट दीजिए, बात कर लीजिएगा बाद में। अच्छा ला रहे हैं चाबी, फोन काट दीजिए। चलिए कोई बात नहीं है, फोन पे शायद किसी को सूचना दे रहे हो कि हम यहाँ आए हुए हैं, कोई बात नहीं है, सच्चाई दिखाने में कोई डरने वाली बात नहीं है। और बच्चे हैं कुछ, आइए इधर, ये क्लासरूम का हाल है, काफी अच्छा है, पंखा भी लगा हुआ है, सब चीज ठीक है क्लासरूम में। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड है, नेताओं के फोटो है, महापुरुषों के। और बच्चे देखिए भीड़ लगा के देख रहे हैं। किस क्लास में हो बाबू? वन में। एबीसीडी आता है? हाँ। बोलिए तो एबीसीडी। वेरी गुड, ताली बजाइए सभी। सरकारी स्कूल का बच्चा, इतना छोटा बच्चा देखिए कितना अच्छा जवाब दे रहा है। अगर इन बच्चों को सही से प्रशिक्षण मिले तो ये बच्चे और भी आगे नाम कर सकते हैं। अगर ये बच्चे इतने छोटे उम्र में अगर सीख रहे हैं सरकारी स्कूल में होकर, तो समझिए शिक्षा का बिहार के बच्चों का मानसिक रूप से कितना विकसित है। आइए सर के पास चलते हैं और शौचालय दिखाते हैं। शौचालय लॉक है अभी, हालांकि खुलेगा अभी। आइए, अभी लॉक था शौचालय, फिर खुला हुआ है सर। अच्छा सर लॉक क्यों था शौचालय आपका, अगर क्लास चल रहा है अभी तो? कोई कचरा उचरा बिक देता है ना, फिर आपका बच्चा तो बाहर जाके शौच कर रहा है। ना ना, बच्चा लोगों के लिए चाबी है वहाँ रखा हुआ है। बच्चा अपना खोल लेगा चाबी? ना कहता है तो हम लोग खोल देते हैं। और सारे टीचर कहाँ है? और टीचर दो आदमी प्रतिनियोजन में है। कितने लोग टोटल इसमें टीचर है? पाँच आदमी। कितने लोग अभी है यहाँ पर? तीन आदमी। कहाँ पे? एक आदमी छुट्टी में है, एक आदमी गए है क्या करते हैं, मतदाता सूची का जीरोक्स कराने। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, सच्चाई क्या है हम नहीं जानते हैं, लेकिन शौचालय का एक बार देखिए, साफ सफाई मोदी जी का द्वारा चल रहा है अभी। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर था परसों, पूरा साफ सफाई है यहाँ पर, हम ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन लॉक है ताला। हमको नहीं लग रहा है कि ताला खुलता होगा। सर आप कुछ भी बोलिए।